लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। होने वाले मेरे मजदूर साथियों, मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है और वो सवाल है, ये देश किसका है? ये देश जिसे हमारे मजदूर साथियों ने अपने पसीने से, हमारे किसान भाइयों ने अपने खून से सींचा है, आज ये देश चारों तरफ से जल रहा है। दंगे फसाद, मार काट, हरिजनों और औरतों पर अत्याचार की कहानियां आम हो गई हैं। गरीबी और भूख से यह देश करा रहा है। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस देश की नस नस में भर गया है। मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों ने हमारे खून पसीने की मेहनत को अपने तिजोरी में बंद कर रखा है। कुर्सी और सत्ता की भूख ने हमारे नेताओं को अंधा बना दिया है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने हम मजदूर भाइयों में फूट डाल रखी है, हमें छोटे छोटे यूनियनों में बांट दिया है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हम गरीबों और मजदूरों की एकता। जब तक हम गरीब और मजदूर एक होकर नहीं लड़ेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। यह 1 मई हम मजदूरों की एकता का दिन है। हम अपनी सब यूनियनों और छोटे छोटे मजदूर संघों को एक कर दें। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है, ललकारा है, ललकारा है। कहते हैं हमको कुछ इनाम दो, लेकिन खून पसीने के पूरे पूरे दाम दो। मेहनत के बदले मांगी दो इज्जत की रोटियां, धन वालों ने हमको दी पर शतरंज की गोटियां। ऐसी चाल चली तुमने, हम सबका हक मारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है, ललकारा है, ललकारा है। मशीनों का वहां पसीना अपना है, देख रही है जो दुनिया वो
मजदूरों का सपना है। आज का दिन आने वाले कल का एक इशारा है, मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है, मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है, ललकारा है, ललकारा है। लेकर जाएंगे आने वाली नस्लों को हम कुछ देकर जाएंगे। अपने सर से सदियों का हमने कर्ज उतारा है, मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। भाइयों मेरी बात सुनिए, मालिक लोग आपके नेताओं को अंदर बातचीत के लिए बुला रहे हैं, सिर्फ दो ही प्रतिनिधि अंदर आई। ठीक है, मैं और आजाद अंदर चलते हैं। क्यों, चलो चलो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता। सुनो साले साहब, मालिकों को अपनी अकड़ मत दिखाना, समझौते की बात करना। मैंने बात कर रखी है, अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो तुम, तुम्हारी बहन और मैं सब सुखी हो जाएंगे। मुझे शर्म आती है कि मेरी बहन तुम जैसे गद्दार और मालिकों के पिट्ठू की बीवी है। भगवान भी इसे नहीं सुधार सकेंगे। आओ आओ आजाद, बैठो। धर्मदास तुम भी बैठो। अरे बैठो भाई। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा हमारा झगड़ा क्या? झगड़ा? आपका और हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है आजाद। झगड़ा है छटनी किए गए मजदूरों का, झगड़ा है मजदूरों के अधिकारों का। ओ, अधिकारों का झगड़ा? अक्ल, काबिलियत, पैसा, बड़े बड़े धंधे चलाने का दिमाग किसके पास है? मालिकों के पास या मजदूरों के पास? खून, पसीना, मेहनत, लगन और अपनी काबिलियत से इन फौलादी मशीनों की कोख से सोना पैदा करने की ताकत किस में है? आप में या मजदूरों में? वो ताकत सिर्फ पैसे में नहीं, वो ताकत मजदूर के पसीने में है। उस पसीने का हम पैसा देते, मजदूरों का पेट भरते। अच्छा, यानी कि आप बड़ी मेहरबानी करते हैं। इसमें मेहरबानी का क्या सवाल है? हम उसी गाय को चारा डालते हैं जो दूध देती है, और उस गाय का बूंद बूंद दूध निचोड़ लेने के बाद उसे कसाई के लिए फेंक देते हैं, जब जी चाह मजदूरों की छटनी कर देते। वो मजदूर जो बेकार हो गए, जिनमें काम करने की ताकत नहीं, उनकी छटनी करने का हमको हक है, हम उन्हें निकाल कर रहेंगे। वाह वाह वाह, क्या इंसाफ है। अगर आपके मन में मजदूरों के लिए इज्जत नहीं है तो इसी उसूल के लिए आप अपने घरों से उन माँ बापों को भी निकाल दीजिए जो बूढ़े और बेकार हो गए हैं। मजदूरों से हमारे माँ बाप का मुकाबला मत करो आजाद, हमारे माँ बाप हमें मोहब्बत देते हैं। और मजदूर मुनाफा देता है, और सारी दुनिया जानती है आप पैसे वालों को मोहब्बत से ज्यादा मुनाफा प्यारा है। कुछ भी हो, मजदूर हमारे माँ बाप नहीं। तो आप भी हमारे माई बाप नहीं है, हमारे माई बाप है ये कारखाने, ये फैक्ट्रियां, ये मशीनें। आपका पैसा और मुनाफा हमारे दुख दर्द और आंसू से बड़ा नहीं है। अरे भाई, इस बेकार की बहस झगड़े से क्या फायदा? आप ठीक कह रहे हैं आजाद, झगड़ा छोड़ो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। दोस्ती का हाथ है कहां? ये रहा दोस्ती का हाथ, इसे थामो और बात खत्म करो। अच्छा, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं, लेकिन साहब हम बाजार में बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो बाजारों में बिकने वाली चीजें बनाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। हमारा मोर्चा जारी रहेगा।
चलो। इंस्पेक्टर साहब, यह खून मैंने नहीं किया है। झूठ, यह झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस आदमी का खून आजाद ने किया है। कमीने, खून तूने किया है और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे हराम जादे, मैं नहीं छोड़ूंगा। वारदात के सारे हालात, सबूतों और जिरा पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कत्ल जानबूझकर नहीं हुआ, बल्कि हालात की गर्मा गर्मी में हुआ है। इसलिए अदालत मुल्जिम चंद्रमोहन आजाद पर रहम करते हुए सिर्फ 7 साल बामशक्कत कैद की सजा देती है। भैया, भैया क्या हो गया? भैया क्या हो गया? नहीं बेटी, मत रो दीदी, हिम्मत रखो। सारी दुनिया जानती है ये एक साजिश थी जिसमें मुझे फंसाया गया। याद करो, गरीबों का साथ देने के लिए अपने पिताजी ने कितनी मुसीबतें उठाई थी। हम उन्हीं की संतान है, तुम्हें तो अपने इस भाई पर गर्व होना चाहिए दीदी। सजा तो कर ठीक है आजाद भाई, अदालत ने दे दी, पर सुना है कि पुलिस ने बहुत मारा आपको। पुलिस की मार से ज्यादा मुझे तकलीफ उस हरामजादे धर्मदास की धोखेबाजी से है जिसने कत्ल करके मुझे फंसाया। उस साले को तुमने छोड़ो आजाद भाई, यह बहुत आराम है, खाओ पियो मजा करो। लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो, लेकिन क्यों? अपने 3 साल पूरे हो गए, आज जेल से छूटकर बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाकर क्या करोगे नारायण दास जी? अब मैं लोगों की जेबें नहीं तराशूंगा, लोगों का ईमान तराशूंगा, नेतागिरी करूंगा। लेकिन नेतागिरी तुम्हारी तरह मजदूरों की नहीं, उसमें तो डंडे मिलते हैं। मैं झंडे की नेतागिरी करूंगा, उस झंडे की जिससे कि कुर्सी मिलती है। हाँ, Azaad!
सात साल जेल में था, लेकिन लेकिन इसी दिन का इंतजार था। मैं रुक जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरा सुहाग मत छीनो, मुझे विधवा ना बनाओ। क्या चाहिए? सर, वो कलेक्टर साहब का टेलीफोन है। कह दो मैं नहा रहा हूँ। जी, वो कहते हैं अर्जेंट है। तो दो लाइन। हेलो, हाँ मंत्री जी आ रहे हैं। हाँ हाँ, हमने बुलाया है मंत्री जी। वो फैक्ट्री वाली मामले की इंक्वायरी करेंगे। कलेक्टर साहब, आपका रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ फैक्ट्री का पानी जहरीला है जो वो लोग नदी में फेंक रहे हैं। सैकड़ों जानवर वो पानी पीकर मर गए हैं। आपने झूठी रिपोर्ट दी है कलेक्टर साहब, जनता के साथ गद्दारी की है। आप अफसर लोग अपने आप को क्या समझते हैं? समझते क्या है? दो चार किताबें पढ़कर आप कलेक्टर बने हैं और हम वोट जीत कर नेता बने हैं। जनता का दुख दर्द आप क्या जानेंगे? जयराम जी की। अरे भाई खाइए। सुना है आपका तबादला हो गया, इसलिए इस्तीफा देने आप? अभी तक मैंने तय नहीं किया रहमान साहब, इसी बारे में एमएलए साहब से मिलने आया हूँ। डॉक्टर साहब, अपने देश बंधु जी को गाय की पूंछ समझिए, पकड़िए और गंगा पार हो जाइए। चलती का नाम गाड़ी है गाड़ी, मैं भी सिमट का परमिट लेने आया हूँ। अच्छा जी हाँ। आप बेकार चिंता कर रहे हैं, मैंने एमएलए साहब से कह दिया है आपका काम हो जाएगा। नमस्कार जी, वो आ गए। नमस्ते, 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 नमस्ते। आप कैसे हैं बनवारी लाल जी? चलिए चलिए चलिए। ये मेरी सहेली है शारदा। नमस्ते। वो अपने करुणा शंकर थे ना? हाँ हाँ, उन्हें कौन भूल सकता। यूनियन के बहुत बड़े लीडर थे, मजदूरों के लिए लड़ते लड़ते मर गए। उन्हीं की बेवा है ये। अच्छा। उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन नहीं मिल रही? तो मुझे एक अर्जी दे दीजिए, काम हो जाएगा। मैं अर्जी लिख कर ले आई हूँ। बस ठीक है, जाइए और अगले हफ्ते जाकर पेंशन ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो खुश है ना। चल अबे ओ तल्लू। जी सर। ये रख लो, ये काम हो जाना चाहिए। नमस्कार बंधु जी। अरे घनश्याम जी, कहिए कैसे आना हुआ? श्याम बाबू जी, ये काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा बंसीलाल जी, ये काम हो जाना चाहिए। जी हो जाएगा जी, हो जाएगा, हो रहा है, हो गया। आधा बजे कहिए रहमान साहब, क्या चाहिए आपको? जी वो सीमेंट का परमिट। सीमेंट का परमिट? शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसे गलत कामों के लिए मेरे पास चले आते हैं आप लोग। सीमेंट का परमिट चाहिए तो तहसीलदार के पास जाइए, आइंदे ऐसे कामों के लिए मेरे पास आए तो अच्छा नहीं होगा। हटिए आप। अरे वाह, जब वोटों की जरूरत होती है तो हाथ जोड़े चले आते हैं हमारे पास। अब एमएलए बन गए तो इनके जो तेवर बदल गए। रहमान भाई, अजी देख लूंगा, अगला इलेक्शन आने तो बाखुदा हमारा एक वोट नहीं मिलेगा इनको। अजी छोड़िए ना भाई, आप क्यों ना अजी क्या सुनिए बाबा, अदब तो सुनिए, आप इतना गर्म क्यों हो रहे? अजी गर्म होने की तो बात ही है। अरे समझा कीजिए रहमान मियाँ। क्या समझा कीजिए क्या? अरे भाई वहाँ इतने आदमी खड़े थे और आपने परमिट की बात खुल्लम खुल्ला कर दी, तो वो क्या करते? अरे मगर वो है तो। अरे भाई परमिट की बात तो मैंने आज सुबह कर ली। अच्छा हाँ, परमिट कल आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन हमारी कमीशन याद रखिएगा। सीमेंट की बोरी आप 50 रुपए में बेचेंगे या 75 रुपए में, लेकिन फी बोरी 6 रुपए याद रखिएगा, 5 रुपए साहब के और 1 रुपया मेरा। आजाद बेटा आ गया, आजाद बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। अरे बेटे हम कितने दिनों से परेशान थे। बेटा कैसे हो कासिम भाई? शुक्र है खुदा का। आजाद बेटे, तुम जेल से छूटे तो हमें यूं लगा कि हम सब बस्ती वाले जेल से छूट गए हैं। आजाद भाई, तुम नहीं थे तो हम सब बस्ती वालों पर जुल्मों की बाढ़ आ गई। तुम फिक्र मत करो पन्नालाल, हम हर जुल्म से लड़ लेंगे,
हम गरीबों की ताकत हमारी एकता में है। लेकिन आजाद बेटा, तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी करो। फैक्ट्री का जहरीला पानी पी पी कर हमारे जानवर मर रहे हैं, कल को हम भी मर जाएंगे। भैया सुना है बत्तियों मंत्री जी आ रहे हैं, हम सब की तरफ से तुम ही उनसे बात करो। हाँ हाँ, मैं बात करूंगा मंत्री जी से और ये जहरीला पानी बंद करवा के रहूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। आप सोचिए सोचिए, मैं जनता का नेता हूँ, जनता के दुख दर्द मेरे दुख दर्द है। आपके कारखाने का जहरीला पानी नदी में गिरता है, वो पानी पी के जानवर मर रहे हैं, फसलें खराब हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। भाभी बताइए, जनता के नेता होने के नाते मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा? क्या तो आप इस दौलत से मुझे खरीदना चाहते हैं? कान खोलकर सुन लीजिए सिन्हा साहब, मंत्री महोदय खुद इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, मैंने उनको बुलाया है, मैं कच्चा चिट्ठा उनके सामने रख दूंगा। हाँ इधर भी तो देखिए देशबंधु जी, मैंने आपके सामने कुछ नजराना रखा है। नजराना? आप इससे मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं? देशबंधु जी, आप मुंह बंद नहीं करेंगे तो हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी? जी हाँ, अब तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा सिन्हा साहब। सो तो है, मैं किसी का नुकसान नहीं सह सकता, दोनों का फायदा होना चाहिए, आपका भी और जनता का भी। कितना है? 5,000। 5? यानी पंच पांडव? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है सिन्हा साहब। अच्छा ये लीजिए 10,000। 10? यानी दशानन, रावण के 10 सर? आप मजाक कर रहे हैं क्या सिन्हा साहब? नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो फिर आप ही बताइए। मैं तो कौरव वंश को मानता हूं, कौरव यानी 100। कल तक इसी फैक्ट्री में प्यून था, हाथ जोड़े खड़ा रहता था, आज हुक्म चला रहा है। आपकी बात तो माननी पड़ेगी, आखिर आप जनता के नेता जो हैं, लाख रुपए देना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल है, लेना ही पड़ेगा। आपकी फैक्ट्री बंद हो जाइए मैं नहीं चाहता। आपकी फैक्ट्री बंद होने से 4,000 मजदूर भूखो मर जाए, ये मुझसे देखा भी नहीं जाता। बड़ी मुश्किल है, सबके भले के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बड़ी मुश्किल है। अब आप हेल्थ मिनिस्टर जी को संभाल लेना। बेफिक्र रहिए साहब, मंत्री महोदय डाक बंगले के ठंडे कमरे के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। सलाम साहब। ठीक है, आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है सरकार चलाना। आप अखबार वाले भी कमाल के लोग होते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैं पूछता हूं इसी एक फैक्ट्री को लेकर इतना हंगामा क्यों? प्रदेश में और भी हजारों फैक्ट्रियां हैं, उनके बारे में लिखा कभी आपने? जानते हैं इस फैक्ट्री के बंद होने के क्या नतीजे निकलेंगे? कितने आदमी बेकार हो जाएंगे? आप लोगों का क्या, जो मनमाया उल्टा सीधा छाप दिया। अरे साहब, अखबार का भी एक नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए। मंत्री जी है, नेशनल कैरेक्टर है, आप मेरा अखबार तो पढ़िए। हमारे अखबार में आपकी मिलीजुली सरकार के खिलाफ कभी कुछ नहीं लिखा, आपकी पार्टी के मंत्रियों की तरफ कभी उंगली नहीं उठाई। आप मेरा एडिटोरियल तो पढ़िए मंत्री जी, ये देखिए ये देखिए। हटो हटो हटो, कौन है? नॉट ट्राई टू फेमिलियर, समझा? ज्यादा जान पहचान बढ़ाने की कोशिश मत करो। हाँ मंत्री महोदय, एक आखिरी सवाल है। पूछो। आप अपनी बेटी की शादी का रिसेप्शन राजधानी में करेंगे या? मैं कहीं भी करूं, ये हमारे घर को मामलो है, चले जाओ। लेकिन मेरी एक बात मैं तो कह रहा हूं, निकल जाओ। तुमको बोला तो तुम फोटो निकालो तो तुम गधे की तरह खड़े रहे। चलो। अरे भाई मैं तो दंग रह गया, जूता मार जवाब दे दिया तुमने, फिर भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए था, आखिर अखबार वाले हैं, इनसे बनाकर रखना चाहिए। अरे वो तो ठीक है देशबंधु, ये बहुत पाजी आदमी है, ये दारू की ठेके की नीलामी के मामले में इसी ने उस तरह चलाया था। अच्छा। है? लिखा था कि मैं पैसे खा गया हूँ। नहीं नहीं, ये सब चीजें लिखनी नहीं चाहिए कभी। अब तुम ही सोचो देशबंधु, ये पाजी अगर शादी में घुस गया तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल देगा, किसने क्या दिया क्या लिया सब लिख देगा। मैं इसको घुसने नहीं दूंगा, कुत्ता छुड़वा दूंगा इसके ऊपर। हाँ समझ क्या रखा है? अरे हाँ, वो डॉक्टर की ट्रांसफर के बारे में क्या किया तुमने? हाँ वो रुकवा दिया। अच्छा वो फैक्ट्री वालों से वोटर लोगों की रोटी बोटी का इंतजाम किया कि नहीं? हाँ। सिर्फ दशानन? हाँ, वो भी बड़ी मुश्किल से वसूल करना पड़ा,
वो लोग तो कोर्ट अदालत में जाने की धमकी दे रहे थे। तो जाने देते? अरे नहीं नहीं नहीं, समझा करो, हमें लोकल मदद से लोकल झड़ों को भड़का कर जीना है। जब तक ये कुर्सी सलामत है, चंदा भी यहीं से आएगा, पैसा भी यहीं से मिलेगा, इसीलिए जितना मिले जैसे मिले बटोरो, वरना अगला चुनाव लड़ोगे कैसे? अरे इतना तो मैं भी समझू। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, सब अपने आदमी है, मैंने ही इंतजाम किया है। इन्हें ना बुलाता तो विरोधी दल वाले न जाने यहाँ आकर क्या उल्टा सीधा बोलते। चिल्लाते चिल्लाते विचारों के गले सूख गए होंगे। मैं जाकर शरबत पानी का इंतजाम। जयराम जयराम जी। हड़ताल लोग चले गए क्या? बहुत शोर मचा रहे हैं। यस सर, लेकिन पुलिस का पूरा बंदोबस्त है। वो तो बहुत जरूरी है। पहले तुम चंदनपुर में थे ना? हाँ। यहाँ कब आए? सर 2 महीने हुए। अच्छा 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 अच्छा, देखो अब मैं थोड़ा आराम करूंगा। कल रात किशनगंज के डाक बंगले की ठंडे मशीन काम नहीं करती थी तो पूरी रात सो नहीं पाए हो। अब मैं थोड़ा सोऊंगा। ओके सर। तुम अंदर कैसे आ गए? अपने पैरों पर चलकर। क्या चाहिए तुम्हें? मंत्री जी से मिलना है। वो सो रहे हैं। सो रहे हैं तो कभी जाग भी जाएंगे। अरे जाने बैठने का क्यों? ये कुर्सी बैठने के लिए नहीं है क्या? और फिर अगर कुर्सी मिल जाए तो छोड़ता कौन है? मैं कहता हूं खड़े हो जाओ। अगर ना हो तो? अगर नहीं हुए तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। जगजीत सिंह, चमड़ी तो कई बार उधेड़ी है तुमने मेरी, ये पसलियां भी कई बार तोड़ी हैं। 8 साल पहले उस मिल के भीतर कितना मारा था तुमने मुझे, उससे पहले कपड़ा मिल स्ट्राइक के वक्त भी मेरी पसलियां तोड़ी थी। तब तुम एक अदना से सब इंस्पेक्टर थे, तुम्हारे कंधों पर चमकते ये सितारे तुम्हारी बहादुरी का सबूत नहीं, कुर्सी पर बैठी किसी अंधी ताकत के तलवे चाटने की निशानियां हैं। चंद्रमोहन आजाद। अरे वाह, दुश्मन होते हुए भी तुम्हें मेरा नाम याद है, दोस्तों ने तो नाम तक भुला दिया। क्या बात है? आप चंद्रमोहन जी? सिर्फ चंद्रमोहन नहीं, चंद्रमोहन आजाद। ठीक है भाया, ठीक है, आओ ना, आओ 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 बैठो। मैं तो फैक्ट्री के गेट पर खड़े खड़े इंतजार कर रहा था कि मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे और इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी? क्या बोलिया? इंक्वायरी, जांच पड़ताल। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन लगता है तुमने इसी कमरे में बैठे बैठे जांच पड़ताल कर ली, वर्करों से मिले तक नहीं। तुम सरकारी गाड़ी और सरकारी खर्च पर इसीलिए आए थे? अजी तुम तो बेकार में बिगड़ रहे हो। ये मानियो कि मैं मंत्री हूँ, पर मेरी अपनी भी मजबूरी है, मैं अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकता। ये तो तुम समझते हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो। मिली जुली सरकार चलाने के लिए हमें कितनी चालें चलनी पड़ती हैं, और फिर छोटी सी पेटी जैसी तो पार्टी है हमारी, जरा समझा करो। छोटी सी पार्टी है तो क्या, तुम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करके खा जाओगे। गरीब लोग धूप में खड़े खड़े चीखते रह जाएंगे और तुम इन ठंडे कमरों में बैठ कर अपनी पार्टी की तोड़जोड़ करते रहोगे। अरे शर्म करो मंत्री नारायण जी, अगर तुम्हारी आत्मा अब भी जिंदा है तो बेहतर होगा तुम अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। इन स्वार्थी ताकतों की कठपुतली मत बनो, राजनीति को बदनाम मत करो, समझे? लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। इसको नेशनल करेक्टर बिगड़ गयो है एकदम। अरे तुम फिकर अब आइए आइए रे बंधु जी आइए। वाह वाह, अच्छा जमाया आपने। लड़की कहाँ रही है? अब बस आ ही रही है। तो मैं जा रहा हूँ, मंत्री जी को ले आ रहा हूँ। जी हाँ। आओ।
आइए आइए आइए। नमस्कार जी। फूल नमस्कार जी। मेरे सौभाग्य। विद्वान बंधु जी, ये सब तो ठीक है, वो अफसर अकट है। सिन्हा साहब जी, मंत्री जी, मंत्री जी सत्संग के लिए उत्तेजित हैं, इन्हें शांत करने का प्रबंध कहाँ? अब बता ही नहीं है सर। अभी पेश करते हैं साहब, फौरन। तो आप जाइए, उन्हें भेजिए। चलो। चकिया जो बाहर भेज दिया, वरना कबाब में हड्डी बना रहता। मूरख हार दे के ट्राइंग भी फेमिलियर।
आपको बुलाओ, नाश्ता तैयार है। अरे चंद्रमोहन, आज पश्चिम से सूरज निकला है क्या? तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई, अब याद आई है तुझे दीदी की? दीदी वो, अरे भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, इन्होंने इज्जत भी कमाई और नाम भी, अब तू इधर उधर ना भटक, हमारे साथ रहे। दीदी मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि एमएलए साहब श्री देश बंधु जी घर में हैं? कैसे बोलता है चंद्रमोहन, आखिर वो तेरे बहनों ही है, कोई गुस्सा भी हो तो उसे थूक दे। मैं तो कहूंगी इस राजनीति का चक्कर छोड़ दे, घर बसा ले, आराम से रह, तो मुझे भी बड़ी शांति मिलेगी। दीदी जो राह मैंने पकड़ी है वो आराम और शांति की नहीं, जद्दोजहद और संघर्ष की है, घर बीवी बाल बच्चे ये बंधन मुझे नहीं बांध सकते। दीदी मेरा रास्ता अंगारों से भरा है। क्या बात है, अरे क्या महान आदर्श है। ये आज पकड़ में आया है, आप इसे समझाइए, मैं इसके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। कहिए आजाद साहब कैसे आना हुआ? मैं आपसे चंद बातें पूछने आया हूँ। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ भी पूछे, क्या ये मंत्री जी से माफी मांग कर आइए? आपके उस मंत्री से जिसने गरीबों की बात तक नहीं सुनी, उनसे मिला तक नहीं, सरकारी खर्चे पर आया और डाक बंगले के एयर कंडीशन कमरे में गुच्छे उड़ाता रहा, या आपसे माफी मांगू जो मजदूरों के नाम पर फैक्ट्री के मालिकों से रिश्वत लेकर चले आए? आजाद पजामे में रहो, जानते हो तुम जनता के नेता देश बंधु पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा रहे हो? रिश्वत तो आप हमेशा से लेते रहे हैं और ये इल्जाम नहीं सच्चाई है, और नहीं तो क्या, ये सारी दौलत आसमान से गिर पड़ी? ये दौलत मैंने कमाई है। कहां से, हां कहां से, मेरे जेल जाने से पहले आप क्या थे? 7 साल के अंदर आप एक चौकीदार से लखपति बन गए, कितनी तनखा मिलती है एमएलए को, हां और उसमें आपने ये महल खड़ा कर लिया। देश बंधु जी, रिश्वतखोरी और पाप की कमाई का यह घर एक दिन ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। आज मैं कह रहा हूं, कल जनता जवाब मांगेगी, तब आपकी ये सोने की लंका अंधारों में राख हो जाएगी। ओ, तुम मुझे जनता का डर दिखा रहे हो, बच्चे जनता तो दूध की कढ़ाई की तरह होती है, नीचे आग लगा दो तो उबलने लगती है और पानी छिड़क दो तो पटक जाती है। अगर पानी छिड़कना आपको आता है तो ईमानदारी की आग जलाना मुझे भी आता है। याद रखिए, जनता ने आपको चुना है, अगर उसी जनता के हित को आपने नहीं संभाला, उसके साथ गद्दारी की, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अरे चंद्रमोहन कहाँ जा रहा है? चंद्रमोहन चला गया, आपने उसे नाश्ते के लिए भी नहीं रोका? उसका दिमाग खराब हो गया है। माँ, ओ माँ मुझे जरा 50 रुपए दो ना। काहे के लिए? वो केमिस्ट्री लैब होती ना माँ, उसकी फीस भरनी है, दो ना। अरे जब देखो तेरे कॉलेज वाले फीस मांगते रहते हैं। तुम तो काला अक्षर भैंस बराबर हो, तुम क्या जानो कॉलेज की फीस क्या होती है? मैं देती हूँ बेटा। बिल्कुल पैसे मत देना चाची। क्यों? कौन सी फीस, कैसी फीस, तुम तो बीए पढ़ रहे हो ना, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हो? चाची ये तुम्हें बुद्धू बना रहा है। मैं बुद्धू बना रहा हूँ? हाँ। राधा की बच्ची मत मैं। अरे माँ चाची मुझे मार रहा है, तुमने उसे छेड़ा होगा? नहीं माँ, ये चाचा चाची को बुद्धू बनाकर पैसे ऐंठ रहा था, ये बहुत झूठा है। मैं झूठा हूँ? हाँ नहीं तो क्या। चाची ये मेरे हर मामले में टांगड़ाती रहती है, मैं तुझे दिन सीधा कर दूंगा, याद रखना। अरे अरे बेटा तुम दोनों लड़ते ही रहोगे या कॉलेज में जाओगे? चल कॉलेज, चल उठ ना, चल छोड़ मेरा हाथ, चलो बहुत। माँ को बता तो देखना। देखो मारूंगा मैं। जरूरत कहाँ है मेरी? जल्दी। अच्छा अच्छा, कभी शर्त लगाया ना तो मैं तेरी। अबे ओ पड़ाकू की औलाद, इधर आ। अबे ओ शशि के बच्चे, अबे तुझी से कह रहा हूँ, वहाँ लौंडिया के साथ क्या घूम रहा है, इधर आना मर्दों में। शशि ये लोग अच्छे नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तुम इनसे दोस्ती क्यों रखते हो? सब चलता है यार। अच्छा तू ये ले जा, मैं घर आता हूँ। जा ना, जा जा, मैं आता हूँ, जा। क्या प्रताप? लो भाई शशि भी आ गया, आज कॉलेज कैंसिल, आज हम लोग पिक्चर चलते हैं। अम्मा पिक्चर तो हम रोज ही देखते हैं यार, आज सेंट्रल प्लेग्राउंड में लड़कियों का बास्केटबॉल मैच है, चलो वहाँ चलते हैं। अरे हाँ, क्या चक्कू छोरियाँ हैं, यहाँ यहाँ तक की चड्डी पहनती है और जब बॉल लेकर दौड़ती है तो जय हो, जय हो, जय हो।
ये साला शशि कहाँ गया? शर्म लगा के भाग गया क्या? वो ऐसा लड़का नहीं है गुरु, बोला है तो करके दिखाएगा, बात का धनी है। छोड़ यार, वो देखो नंगा नाचता हुआ आ रहा है। कुछ हो जाएगा, किस लड़की से आंख लड़ जाएगी, दिल खो जाएगा, खेल ये बन जाएगा, खेल मोहब्बत का। बॉल है, बॉल है, गले पे लाल रुमाल है, बॉल है, हाथ में जिसके बॉल है, बॉल है, गले पे लाल रुमाल है, बॉल है, देखो जीस कमाल है और मोजी कैसी चाल है, उम्र भी 16 साल है। अरे उसकी जुल्फ के साए में कोई सो जाएगा, जुल्फ के साए में कोई सो जाएगा, हर किस लड़की से आंख लड़ जाएगी, दिल खो जाएगा, खेल ये बन जाएगा, खेल मोहब्बत का। हो 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 हो, देखना देखना देखते देखते कुछ हो जाएगा। देखो नमिया की कमर देखो, ओए दिल को थाम कर देखो, नमिया की कमर देखो, हर नजमा की नजर देखो, हर हेलन का हुनर देखो, इधर देखो उधर देखो, इधर देखो। मेरा कसूर क्या? मैं
मैं बताता हूँ पढ़ाई क्या होती है। रुक जाओ। साले। आखिर बात क्या है? तू मेरा भाई नहीं होता, पुलिस मार मार के तेरी खाल उधेड़ देती। एसपी साहब ने खुद मुझे तेरा सारा कारनामा बताया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई सैकड़ों की भीड़ से लड़की को उठा लाने की? भाभी मैंने उसे उठाया नहीं, सिर्फ वहां से हटा दिया था। चुप कर मैं भाई। ना प्रताप जी, तुम जा। जी भाभी। सुमति, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, इसके पंख निकल रहे हैं। जानती हो उसने क्या किया? मैं कुछ नहीं जानना चाहती। जो भाई अपने भाई को उड़ता हुआ देखता है उसके पंख निकला है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? सुमति, ये वक्त तुम्हारे और मेरे बीच तानेबाजी का नहीं है। इसमें क्या तानेबाजी है? क्या वो नहीं देखता कि आपकी जिंदगी क्या है? सुमति, चिल्लाइए मत। आपका भाई आप ही की मदद से ये तालीम हासिल कर रहा है। गनीमत इतनी है कि वो किसी लड़की को उठा ले गया तो वापस आपके घर लौट आया। आप किसी लड़की को उठा ले जाते तो घर भी नहीं लौटते। सुमति, प्रताप का सहारा लेकर तुम मुझे मुझे सुधारने की कोशिश मत करो। जाओ, गो एंड मेक अ ड्रिंक फॉर मी। गेट आउट। राधा, ठीक है राधा? आज अकेली कॉलेज चल रही, मुझे बुलाया तक नहीं। हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्या पता कल वाली हालत में निकल आते तो। वो तो सिर्फ एक मजाक था। मजाक और बेशर्मी में फर्क होता है शशि, और तुम तो बेशर्मी की हद भी पार कर गए। तुम समझते हो ऐसी गंदी हरकत करके तुम हीरो बन जाओगे? प्रताप और उसके दोस्तों ने तुम्हें चढ़ा दिया और तुम बास्केटबॉल के मैदान में नंगे नाचने लग गए। वो अमीर लोगों के लड़के हैं शशि, उन लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई और डिग्री का कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें नसीहत नहीं दूंगी तो फिर और कौन देगा? तुम हो कौन मेरी? उन लोगों की दोस्ती तुम्हें इतनी प्यारी है कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हो गई। देखो राधा, मैं जिससे चाहूंगा दोस्ती करूंगा, मुझे जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये लो अपनी नोटबुक। सॉरी। नहीं लेती। क्यों? पहले विद्या को माथे से लगाओ। बस। हम गरीब लोग हैं और विद्या ऐसा धन है जो हम गरीब भी कमा सकते हैं। अगर तुमने वो धन कमा लिया तो समझो तुमने सारी दुनिया जीत ली। आराधा, तुम ठीक कह रही हो। गांधी जयंती का दिवस भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये परम पूज्य गांधी जी का जन्म दिवस है। इसीलिए हम यहाँ सफाई का अभियान चला रहे हैं, क्योंकि गंदगी से गांधी जी को बहुत नफरत थी। हम अपने राष्ट्रपिता परम पूज्य गांधी जी के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। अरे बकमत, ये गरीब जनता तुम्हारी असलियत को जानती है। गांधी जी के नाम को गंदा करने की कोशिश मत करो। सुनिए भाइयों और बहनों, किसी भी नेता या मंत्री पर इल्जाम लगा देना आज का फैशन हो गया है। वैसे इस देश में बेईमान नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे मालूम है कि ज्यादातर नेता लोग खाने कमाने आए हैं, मगर मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूँ। वो पुरानी कहावत है, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ मालूम है, मालूम है। ये कहावत है कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन खाते वक्त पांच उंगलियां बराबर हो जाती हैं। क्या बात कही आजाद ने। लेकिन भाइयों और बहनों, आपकी सेवा के रास्ते से मैं नहीं हटूंगा। मैं इस गांधी जयंती दिवस पर प्रतिज्ञा करता हूँ, इस बस्ती को मैं स्वर्ग बना दूंगा, यहाँ की गंदगी और गरीबी को मिटा कर रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। बापू की मूर्ति खड़ी है, अगर प्रतिज्ञा करनी है तो उनके चरण छूकर प्रतिज्ञा कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चावल देना भैया। अब मैं
एक पैसे का उधार नहीं दूंगा तेरे को। जब आए झोली लेके चली आती है, घाल दो। अरे पहले का तो चुकाओ, फिर मैं तेरे को चौल दूंगा। मैं पेंशन मिलते ही सारा कर्जा चुका दूंगी भैया। आज खाने के लिए घर में एक दाना चावल नहीं है। मैं मुंडा में घाल दूं के पेंशन? अरे जिंदों को तनख्वाह नहीं मिलती, मुर्दों को उठा के पेंशन कौन देगा? उधार बन, रात तो पीछे है, पलट और निकल पड़। पेंशन नहीं मिली? अरे कोई कोई धर्म खाता खोला है मैंने, पेंशन नहीं मिली? चले आते हैं। चाची, करुणा शंकर जी की पेंशन अभी तक नहीं मिली आपको? नहीं बेटा, समझ में नहीं आता क्या करूं। राधा की पढ़ाई का खर्चा है, दाल रोटी भी तो चलानी है। आप पेंशन ऑफिस गई थी? हाँ बेटा, सैकड़ों चक्कर काटे, लेकिन इस बार 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 मेरी खोपड़ी पर खड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। जब देखो चली जाती हैं, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? मैंने कितनी मर्तबा आपसे कहा कि करुणा शंकर की मौत का सर्टिफिकेट लाए बगैर कोई फैसला नहीं होगा। साहब, वो सर्टिफिकेट तो मैंने बहुत पहले आपको दिया था। फिर वही हुज्जत के बाद? अरे इस फाइल में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने दिया था और आपने इसी फाइल में रखा था। तो क्या उसे फाइल चाट गई, मैं चाट गया? तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे मुझे माफ कीजिए, मेरा दिमाग मत चाटिए, मुझे हजारों काम है, बाहर तशरीफ ले जाइए। बड़े बाबू, बड़े चक्कर काटे हैं उसने। वो अपने पुराने करुणा शंकर थे ना, उनकी घरवाली है, विधवा है बेचारी। अरे ये पेंशन ऑफिस है, विधवा आश्रम नहीं है, चले जाओ। आजी, बड़ा बाबू बहुत खाऊ आदमी है, वो बिना पैसा खाए आपका काम नहीं करेगा। हर बार आपका कागज गुम होता रहेगा, बिना 500 रुपए लिए अपने बाप का भी फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा। आप 500 रुपए का इंतजाम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, वो करुणा शंकर जी जो रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए, अब उनकी पेंशन के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं देखता हूं, तुम फिक्र मत करो चाची, आओ। अरे सलीम मियां, अरे नन्ना मुन्नी, देखो तुम्हारे चाचा जाना है। अरे मीठे बेगम, सलीम आए हैं। चाची चाची जान आ गए, चाचा जान आ गए, चाची चाचा जान आ गए, चाचा जान आ गए। सामान उठा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सामान उठा लो मियां जल्दी, सलीम आओ भाई आओ। हां जी आओ। अरे भाई मियां, आने से पहले इत्तला कर दी होती, हम एयरपोर्ट आ गए होते लेने के लिए। वक्त ही नहीं मिला भाई जान, अचानक छुट्टी मिली बस चला आया। खाना अच्छा किया। क्यों सलीम मियां, कैसे हो? आदाब भाभी जान। चाचा जान को परेशान मत करो। कोई बात नहीं भाभी जान, देखो इसमें तुम्हारे लिए चॉकलेट है, गुड़िया है, खिलौने हैं, सब कुछ है, ले जाओ जाओ। और देखो मियां, खराब वराब नहीं करना चाहो। और ये बताओ मियां कि तुम्हें एयरपोर्ट पे कस्टम में कोई परेशानी तो नहीं हुई? भाईजान मैं कोई लफड़े वाली चीज ही नहीं लेकर आया। अरे तो ले आते। अरे कस्टम अपना, मुल्क अपना, सरकार अपनी, मेरी MLA देशबंधु से बहुत पड़ती है। हाँ अच्छा है? ये साड़ियां, परफ्यूम, सब कुछ तुम्हारे लिए। और ये मेकअप देखो, ये है तुम्हारी आंखों के लिए, तुम्हारे गालों के लिए, और ये लिपस्टिक। अरे ठीक है, एक ऐसी चीज दिखाता हूं, देखता हूं कैसे पसंद नहीं आती। ये है नेकलेस, फ्रांस में बना हुआ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हटो, कितने दिनों बाद आए हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हीरे वीरे, मुझे जरूरत है तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहती हूँ? एक एक पल गिनती हूँ। तुम नहीं होते तो कभी कभी दिल ऐसा करता है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। लाहौल विला कुवत, कैसी बातें करती हो? सच कहूं नफीसा, तुम्हारे बिना मेरा दिल भी नहीं रहता। कोई दिन ऐसा नहीं गया हो जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। अरे मैं तो खुद चाहता हूं दुबई छोड़कर अपने घर आ जाऊं, मुल्क लौटाऊं। तुम्हें तो मालूम है इस घर की गरीबी और बदहाली ने मुझे दुबई भेजा, वरना मैं कभी जाता? तुम्हारे बिना मैं कितना तड़पा हूं तुम्हें नहीं पता। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये दिन है? अरे दिन हो या रात हो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो एक साल बाद वापस आया हूँ। भाभी भैया, अरे मुझे कोई नहीं पता। आदाब आजाद भाई, आदाब। अरे सलीम, तुम ऐसे कब आए? जी कल ही आए। आओ बैठो। सुना तुम्हारी दुबई में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है? हाँ नौकरी तो लग गई, लेकिन वहां मेरा मन नहीं लगता कांग्रेस का,
सोचता नौकरी छोड़ के लौट आऊं। अरे नहीं सलीम, ऐसी गलती मत करना। अब हालात दूसरे हैं, बेईमान लोग नेता बन गए हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए देश को खा रहे हैं। तुम्हारी फैमिली है, घर वाले हैं, भूखे मर जाओगे। भूल जाओ सच्ची राजनीति और सियासी आदर्श। कॉमरेड, आपसे तो हमने असूलों के लिए लड़ना सीखा है। अगर आप जैसे लोगों का भरोसा सियासत पर से उठ गया तो हम लोगों का क्या होगा? नहीं सलीम, मेरा भरोसा सियासत पर से नहीं उठा है। मेरा भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो इस देश और हमारी गरीब जनता के दुश्मन बन गए हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, अपनी सुना। जी वो आजाद भाई, ये कमीजें और ये घड़ी मैं दुबई से आपके लिए लाया हूँ। कितने की है ये घड़ी? ये 2000 रुपये। 2000 की घड़ी मेरे लिए? ये कपड़े, ये घड़ी अच्छे हैं सलीम, लेकिन ये आजकल के नेताओं को शोभा देते हैं। मेरे लिए यही कपड़े ठीक हैं, इन्हें तुम किसी और को दे देना। कम से कम ये घड़ी ले लीजिए ना, आपके काम की चीज है, रख लीजिए ना। लेकिन पेंशन ऑफिस का बाबू 500 रुपए रिश्वत मांगता है। सलीम ये तुम रख लो। तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? जी हैं। मुझे 500 रुपए दे सकते हो? जी क्यों नहीं, ये 1000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 500 ही चाहिए। थैंक यू। बड़े बाबू, चंद्रमोहन साहब बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए ना। कैसे आना हुआ? करुणा शंकर की पेंशन के लिए रिश्वत देने। रिश्वत? क्या कह रहे हैं आप? ये 500 रुपए जेब में रखो और फाइल आगे बढ़ाओ। ठीक है, मैं और रिश्वत? हाँ, क्योंकि रिश्वत के बिना तुम काम नहीं करते। तुम्हारी तनख्वाह चाहे जितनी ही बढ़ जाए लेकिन तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती। तुम्हारी सही मांगों के लिए इसी दफ्तर में करुणा शंकर ने तुम्हारा साथ दिया और आज उसी करुणा शंकर की बीवी बच्ची एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। लेकिन तुम्हें तुम्हें उन पर तरस नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारी आत्माएं मर चुकी हैं। तुम बेईमानी और रिश्वतखोरी की मशीन बन गए हो। मैं इस आदमी नहीं हूं। चुप रहो, ईमानदार दिखने की कोशिश मत करो। सारी दुनिया जानती है कि तुम रिश्वत लेते हो। वैसे ये 500 रुपए तुम्हें बचेंगे नहीं, और अगर फाइल आगे नहीं बढ़ी तो तुम भी बचोगे नहीं। दान देने के लिए मेरे पिताजी नहीं है, दहेज देने के लिए मेरी माँ के पास रुपए नहीं है। अपने होने वाले पति को मैं सिर्फ अपनी पवित्रता ही तो दे सकती हूँ। अपने पल भर के सुख के लिए तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते थे? बोलो शशि, क्यों? राधा, मुझे माफ कर दो राधा। सर, धुलिया आपसे मिलने आया है। धुलिया?
वो जेल से छूट गया? हाँ सर। अरे दुनिया को मुझसे मिलने के लिए इजाजत चाहिए क्या? हा? तुम गधे हो। यस सर। जाओ। यस सर। अरे आइए। अरे आओ आओ दुलिया, कैसे हो? फिर दुबले हो गए? और क्या, जेल की घास खाकर मोटा होता? अरे तुम तो नेता लोग हो, कानून बनाओ। हर कैदी को एक मुर्गा और एक बोतल शराब की रोज मिलनी चाहिए। जेलों में तुम्हारे लोग ही तो भरे पड़े हैं। धीरे बोलो भैया, कहीं अखबार वालों ने सुन लिया तो छाप देगा। अभी अभी ये गया उठकर। अरे गोली मारो अखबार वालों को। पहले ये बताओ कि पुलिस ने जब मुझे कच्चे दारू बनाने के जुर्म में पकड़ा और जेल में ठोस दिया तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है। जिन दिनों तुम गिरफ्तार हुए उन दिनों मैं दिल्ली में था। लेकिन अब तो यही हो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जेल से छूटने के बाद कल से ही मैं कच्चे दारू का धंधा फिर से शुरू करने वाला हूँ। इस बार अगर मुझे पुलिस ने तंग किया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन दुनिया लेकिन लेकिन कुछ नहीं। क्यों, तुम्हारे जुलूसों के लिए भीड़ इकट्ठी करने वाला धुलिया, दुश्मन के पेट में छुरा घोंपने वाला धुलिया, और जब धुलिया का काम निकला तो लेकिन वेकिन शुरू हो गई। अरे नहीं भाई, जो ठीक होगा मैं वही करूंगा। तुम जाकर धंधा शुरू कर दो। ठीक। और अगर ठीक ना हुआ तो श्रीमान देश बंधु जी, मैं आपको ठीक कर दूंगा। आज शाम तक सारा माल जाना चाहिए और वो स्पिरिट का ड्रम जो है। अरे ये गंदा बास कहां से आ रहा है? अरे दारू की भट्टी में बास नहीं आएगा तो क्या खुशबू आएगा? बेवकूफ कहीं की, दारू का बास नहीं है ये। कहां से आ रहा है गंदा बास? देखा, ये मरे हुए चूहे का बास है। तो क्या हुआ, हाथी घोड़ा तो नहीं, चूहा ही है ना, फेंक दो इसे। साला दारू पी के भग कर सकता है। सारी औरतों के जवान चलाती है, मैं कहता हूँ दे मंगलसूत्र। नहीं दूंगी, नहीं, मेरे मंगलसूत्र को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। दास पीटे ये मंगलसूत्र पहनती हूँ। अरे छोड़ मंगलसूत्र का ढकोसला, देख अगर आज मैंने दारू नहीं पीना तो तेरा खून पी जाऊंगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? देखो ना भैया, दारू पीने के लिए मेरा मंगलसूत्र छीन रहा है। शंकर, इतना कमीना हो गया है कि दारू पीने के लिए बीवी का मंगलसूत्र छीन रहा है। क्या करूं आजाद भैया, सामने दुलिया दादा का अड्डा है, आदत पड़ गई है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि दारू नहीं पीऊं, मगर क्या करूं, शराब कहती है कि पी। चुप। आज मैं तुझे, तेरी दारू और इस दारू के अड्डे को भी देखता हूं। चल मेरे साथ दुनिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम ये दारू का अड्डा बंद करो, तुम इस बस्ती के लोगों को बर्बाद कर रहे हो। इसे देखो, दारू पीने के लिए ये अपनी बीवी का मंगलसूत्र छीन रहा था। ए बाबू, हम इधर किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता है। जो कोई हमारे दारू के अड्डे पे आता है उसको दारू पिलाता है, खुद भी पीता है। तुम हमको अपना भाषण मत पिलाओ, हाँ, सीधा अपना रास्ता नापो और हवा हो जाओ यहाँ से। दुलिया, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम गैर कानूनी दारू बनाते हो, बिना लाइसेंस के अड्डा चलाते हो, ये अब नहीं चलेगा। आज फैसला होकर रहेगा। फैसला? We'll be right back.
इससे कह देना आज से इसका ये अड्डा बंद हो जाना चाहिए। चलो यहाँ से समझ आ। अरे उस आजाद के बच्चे ने सब तबाह करके रख दिया साले ने। मेरे पास लाइसेंस होता ना तो मैं भी देख लेता साले को। हाँ हाँ उसी का इंतजाम कर रहा हूँ उसी का। हेलो तुम लोग यहीं ठहरो मैं भी आता हूँ। दादा वन मिनट प्लीज। वो देखो राधा तुम मुझे ऐसा वैसा रोड साइड रोमियो मत समझना कि मैं किसी के साथ भी शुरू हो जाऊँ। सच पूछो ना तो मैं भीतर ही भीतर तुम्हें इतना प्यार करने लगा हूँ कि पूछो मत। तुमने मेरे दिल में एक शोला भड़का दिया और ये बात ये सब लोग जानते हैं और ये साले सब मेरे पे हंसते हैं कहते हैं प्यार वन में ट्रैफिक है। अच्छा एक बात तुमने शशि में ऐसा क्या देख लिया कि उसके पीछे पागल हुई फिरती हो। अरे एक बार हमसे प्यार करके देखो फिर देखना मजा। चलो आज पिक्चर चलते हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। सिर्फ एक बार जस्ट वंस। सॉरी सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। अरे इसकी ये हिम्मत गुरु इसे छोड़ना नहीं। अरे पन्नी चाय के वास्ते थोड़ा सा दूध चाहिए देगी। अरे आज कैसे फुर्सत मिल गई? तेरा मर्द किधर है रे? अंदर है। ओ समझी अपने मर्द को चाय से बहलाना चाहती है। तो और क्या करूं इतना प्यार करता है कि एक मिनट नहीं छोड़ता सांस नहीं लेने देता तभी तो दूध का बहाना बनाकर तेरे पास सांस लेने आई हूँ। बहाना बनाकर सांस लेने आई हो या मुझे चलाने आई हो? तेरी एक एक सांस की आवाज मुझे सुनाई पड़ती है। हाँ सब सुनाई पड़ता है इधर। तो और क्या ले दूध ले और जा अपने मर्द के पास। ए खैर इतना सा दूध मेरी तरफ से उसको पिला देना। अरे हट। अरे ओ भैया यहाँ दूलिया दादा का घर कहाँ रही? ए इधर ला। कोई के पान बनार सुवालो कोई के पान बनार सुवालो दर जात का बहुत भजन बा। बापू किधर है? बापू कौन बापू रे? तेरे को भेजा नहीं क्या? हमार को यहाँ भेजा है। अरे मेरा बापू जिसने तुमको इधर भेजा। अरे ओ सुकरिया तो को एक बार कही तो नहीं ना कि हमार को यहाँ ही भेजा है और हमार कपाल में भेजा भी बहुत है कई के पान बनारस वाला। तू लाया क्या है? अरे ये दिखत ना ही गुड़ है गुड़। हाँ मैंने समझा बापू ने डबल रोटी के लिए मैदा भेजा है। ये दुलिया काका के घर ले जाओ। ओ ये दुलिया दादा का घर ना ही का? नहीं उधर जाओ उस घर में। ओ जरा हाथ लगाई दे बहुत भारी है लगाई दे हाथ। अबे ओ उधर कैसे चला गया? कौन बोला तेरे को उधर जाने के लिए? इधर। अरे शुक्रिया बोले रहे नहीं आने को साहब। अरे सेठ ने तुझे बोला ना यहाँ रहने को? हाँ। कौन है ये? अरे अपने को एक भरोसे वाला आदमी चाहिए था ना। हाँ। तो सेठ ने इसे भेजा इधर काम करने के लिए अभी इधर ही रहेगा। हाँ। जा बोरी अंदर रख और पीछे वाला कोठली साफ करके अपने रहने के लिए जगह बना ले जा। धन्यवाद साहब। हाँ धन्यवाद। अच्छा देखो मैं इधर बाजार जा रहा हूँ और तुम ग्राहकों का ख्याल रखना। Look here, my friends and fellow students. हालांकि राधा ने मुझे थप्पड़ मारा लेकिन मैंने पलटकर कुछ नहीं किया क्योंकि मैं खूबसूरत कमीनियों पर हाथ नहीं उठाता। सच राधा ये मेरी कमजोरी है मैं उन्हें सिर्फ प्यार कर सकता हूँ। थैंक यू।
ये कॉलेज छोड़कर तुम कहीं भी चले जाओ। लेकिन प्रिंसिपल साहब, 2000 स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में, सब पढ़ते हैं, मगर तुम बदतमीजी करने आते हो। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और ये गंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम जा सकते हो। सर वो मेरी, ये तुम्हारी पहली हरकत नहीं। यू कैन गेट आउट। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। आई टोल्ड यू गेट आउट। चिल्लाइए मत, जाओ। आ रहा हूं, देखता हूं तुमको। क्या हुआ उस्ताद, बोलते क्यों नहीं गुरु? प्रिंसिपल ने रेस्टिकेट कर दिया कॉलेज से। बस इतनी सी बात पे रेस्टिकेट कर दिया? व्हाट नॉनसेंस, ये तो ज्यादती है। लेट अस टेक अप द मैटर। और क्या, इस तरह हमें खामोश भी रहना चाहिए? हर जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं राधा, जाओ क्लास में जाओ। थैंक यू सर। यस यस दैट्स राइट। हाँ स्टूडेंट्स, कहाँ रास्ते रुक दिए? ठीक है मैं आता हूँ। प्रिंसिपल डाउन डाउन। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आपको वापस लो, आपको वापस लो। प्रिंसिपल डाउन 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 डाउन। प्रिंसिपल डाउन 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 डाउन। तानाशाही नहीं चलेगी। प्रिंसिपल डाउन डाउन। जल्दी एकता जिंदाबाद, जाती एकता जिंदाबाद, जाती एकता जिंदाबाद। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन। तानाशाही नहीं चलेगी। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन। लो आ गया पुलिस का साहब हम पे रोप जमाने के लिए। वैसे फिल्म का हीरो लगता है यार। अरे फिल्म में जाओ, चमक जाओगे। अरे ये क्या हुआ? गाड़ी को अब मैं क्या करूं? क्या हुआ अभी, अब क्या करूं? सर सर सर, हमें रास्ता दिलवा दीजिए, हमें रास्ता दिलवा दीजिए। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, हॉस्पिटल जाना है सर, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए देखिए, बड़ी तकलीफ है, रास्ता दिलवा दीजिए। वन मिनट। ओके ओके स्टॉप इट। नाउ लुक हियर, सिर्फ वो गाड़ी को जाने दो, उसमें एक माँ है, शी इज प्रेग्नेंट, हॉस्पिटल जाना है। प्रेग्नेंट लेडी? हाँ। अबे तुम लोगों ने प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देखी? नहीं, आओ मैं दिखाता हूँ। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, बस अभी रास्ता मिला। पुलिस छूटी है, पुलिस वाले ये तुमने क्या किया माथुर? वो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे। वो बच्चे सड़क के बीच गुंडागर्दी कर रहे थे सर। गलती किसी की भी हो, जवाब तो मुझे ही देना पड़ता है ना। एमएलए साहब और मिनिस्टर साहब ने बुलवाया है, पूछ रहे थे लड़कों को इतना क्यों मारा गया। क्या जवाब तुम? किसी ने ये नहीं पूछा सर कि हमारे कॉन्स्टेबल्स को कितनी चोटें लगी हैं? बट माथुर, तुम्हें ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन मुझे अपने मातहतों की हिफाजत करने का हक तो है। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं सर। सॉरी सर, जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। यू मे गो सर। प्रिंसिपल साहब, आप मेरी बात मान लीजिए, आपकी तरक्की होगी। देश बंधु जी, आप इतने बड़े नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं प्रताप जैसे बदमाश लड़के को वापस ले लूं, ये आप ठीक नहीं कह रहे। मैं आपसे अपनी अकलमंदी का सर्टिफिकेट लेने को नहीं आया। ठीक है, आप तशरीफ लाए हैं इसलिए आपकी इज्जत रखने के लिए मैं प्रताप को ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देता हूं, मगर कैरेक्टर कॉलम में मैं कुछ नहीं लिखूंगा। वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। मैं यहाँ सर्टिफिकेट लेने को नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप प्रताप को वापस ले लीजिए। इस मामले में मुझे आप मजबूर ना कीजिए देशबंधु जी। सुना है आपकी श्रीमती जी अस्पताल में हैं, क्या तकलीफ है उन्हें?
उन्हें किडनी की तकलीफ है, अगले इतवार उनका ऑपरेशन है। और आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सब यही है, बड़ा लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में है और दोनों लड़कियां मैलिया कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो मान लीजिए इस वक्त आपका तबादला हो जाए तो आप तकलीफ में पड़ जाएंगे ना? जी ट्रांसफर? हाँ, वो भी उस जगह जहाँ ना इंजीनियरिंग कॉलेज हो, न महिला कॉलेज, न कोई अच्छा अस्पताल, शायद वहां पीने का पानी भी ना हो। आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो प्रताप को वापस ले लीजिए बस। ओ, तो आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ अकलमंदी की बात कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, अगर आपने प्रताप का रस्टिकेशन आर्डर वापस नहीं लिया तो। नहीं लिया तो 24 घंटे में दूसरा प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा। ये आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप नेता हैं, यहाँ पे आपका राज चलता है। मगर देश बंधु जी, मैं भी इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मेरे भी कोई प्रिंसिपल से, मैं अपना ऑर्डर कभी वापस नहीं लूंगा। आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। यू कैन गो मिस्टर देश बंधु। अच्छा ठीक है। राधा देखो, राधा तुमने केमिस्ट्री रिकॉर्ड जमा किया? नहीं प्रोफेसर नहीं आए। अरे आ गए, हम सबने तो जमा कर दिए। तुम जल्दी से जमा कर दो वरना तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के नंबर कट जाएंगे। शशि तुम चलो, मैं लैब जाके आती हूँ। ठीक है, मैं बस स्टॉप इंतजार करता हूँ। अभी के लिए टेलीफोन खड़खड़ा रहे हैं, ऊपर हैं, जाइए। सुना सुना, अरे आप फिक्र मत कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री से बात कर लूंगा। अरे हाँ हाँ, अरे आपका आपका हित मैं संभालूंगा। हाँ थैंक यू देशबंधु जी, प्रताप के पीछे पुलिस हाथ धो के पड़ गई है, कुछ कीजिए वरना प्रताप की जिंदगी और मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। उसे बचाने का तरीका हमने निकाल लिया, लेकिन जरा पूजा करनी पड़ेगी, दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी। अब मैं कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अब 10,000 रुपए? 10,000 के दिन गए, आप तो ऊंट को जीरा खिला रहे हैं। तो फिर कितना? जो जीरा आपने अभी पेश किया ना, उसका दशानन। नहीं समझे? नहीं।
दस गुना। ठीक है, मंजूर है। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए प्रताप को कहीं छुपा दो, बाकी मैं फिट कर लूंगा। हाँ, प्रताप को मैं गांव वाले पुराने घर में छुपा देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, खाली हाथ मिला रहे हो? आपके पास खाली हाथ कौन आ सकता है? दशानंद। दशानंद? यस। इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? अपना पुराना घर गांव है, कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्यों, आपका घर गांव है तो मेरा भी तो है, मैं अपने गांव नहीं आ सकती क्या? आने को तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अब तुम गांव वाली कहाँ शहर वाली हो गई हो? ये कह एक गांव की याद कैसे आ गई? कोई खास जरूरत आ पड़ी क्या? वो असल में हमारे ससुराल वाले इस मंदिर को बहुत मानते हैं, उनके लिए मनौती मानने आई थी। ओ, तो तुम पुराने अंधविश्वासों में लौट गई। घर वालों के लिए सब करना पड़ता है। आप घर आइए ना। किससे मिलने? अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे सुमति, आओ आओ। कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से सोचती थी आपसे मिलूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। आज पूजा करके लौट रही थी, सोचा प्रसाद देने के बहाने मिल लूं। लीजिए। सुमति, ये प्रसाद उन लोगों के काम आता है जो दया और मेहरबानियां मांगते हैं। हम जैसों के काम नहीं आता जो अपने हक और अधिकार की लड़ाइयां लड़ते हैं। ये तो मुझे पता है, आप भीख लेने में विश्वास नहीं करते, हक को हासिल करने में विश्वास करते हैं। कल आपको मीटिंग में सुना तो सुनते ही रह गई, कितनी आग और कितनी सच्चाई है आपकी बातों में। ताज्जुब है, कल की मीटिंग में तुम आई थी? मैं आपकी हर मीटिंग में आती हूँ और हमेशा आपको सुनती हूँ। कल सुना तो रात भर आपकी बातें कानों में गूंजती रही। मजदूरों और गरीबों के लिए कितना सोचते हैं आप? मेरे अकेले के सोचने से क्या फायदा सुमति? मजदूरों और गरीबों में क्रांति और जागृति पैदा करनी चाहिए, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए मेरे साथ कितने लोग तैयार हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मुझे यकीन है हजारों लोग आपका साथ देंगे। उन हजारों में से पहले मैं हो सकती हूँ आपके लिए। तुम साथ दोगी मेरा? क्यों नहीं, मुझे और मेरी जिंदगी को एक दिशा मिल जाएगी। लगेगा आपके सपने साकार करने में मैं भी मदद कर रही हूँ। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? तुम अगर मेरा साथ दो, मेरे छोटे छोटे काम संभाल लो, तो मुझे दूसरी बड़ी लड़ाई के लिए वक्त मिल जाएगा। आपके आदर्शों के लिए मैं अपनी जिंदगी आपको सौंपती हूँ। मैं हर उस काम में आपका हाथ बटाऊंगी जो आप करना चाहते हैं। मैं जिंदगी भर आपका साथ दूंगी। ओ सुमति, तब तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सोच लो ये रास्ता अंगारों से भरा हुआ है। मैंने सोच लिया है, सोचा ही नहीं तय कर लिया है, तभी आपके पास आए हूँ। तो फिर गली से आ जाओ, मेरे फंक्शन आ रहा है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, स्टेज आइटम्स हैं, आकर संभाल लो। मैं जरूर आऊंगी। बापू, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। अच्छा बेटी। अरे फुदकती हुई कहाँ जा रही है? कहीं भी, तुझे क्या? अरे रुक तो। छोड़। चाचा घर में है? हाँ, हुक्का फूक रहे हैं। क्यों चाचा, जिंदगी भर हुक्का ही गुड़गुड़ाते रहोगे या कुछ और भी सोचोगे? किसके लिए, काहे के लिए? अरे तुम्हारी छोरी ताड़ हो गई है, ताड़। चढ़ती जवानी है, किसी दिन धोखा खा जाओगे धुआं उड़ाते उड़ाते। बेटा, आज एक अच्छा लड़का मिल जाए तो कल ही उसके हाथ पीले करने को तैयार। वाह चाचा वाह, चिराग तले अंधेरा, अपनी आंखों के सामने से धुआं साफ करके देखो तो लड़का सामने बैठा है। अरे बेटा धर्मदास,
अच्छी मैं बिल्कुल अंधा हूँ। अरे तू तैयार है तो फिर क्या, मुझे पला पलाया दामाद मिल गया। लेकिन छोरी से तो पूछ ले चाचा। अरे इसमें पूछना क्या है, जो मैं कहूंगा उसे मंजूर होगा चाचा। हमें बताएं कि आप भाषणों से बहुत बोर हो चुके हैं, भाषणों से पेट नहीं भरता, इससे दिलो दिमाग की भूख भी नहीं भरती, उसके लिए हमें उन चटपटे प्रोग्रामों का सहारा लेना पड़ता है जो आप पसंद करते हैं, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए हम एक गाना पेश करेंगे। मेरी उम्र का एक लड़का, मत पूछो क्या करता।
जिसे करता है लड़की मत पूछो क्या करती है प्यार भरे खत लिखती है शायद मुझ पे मरती है। अपनी बेटी को देखा? अरे क्या हुआ, हजारों लोगों के सामने अपने कूले मटका रही है, मीटिंग के अंदर बेशर्मों की तरह नाच रही है, गा रही है। चाचा मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो चट मंगनी पर ब्याह कर दो, नहीं तो एक दिन नाक कट जाएगी तुम्हारी। ये क्या कह रहे हो बेटा? आखिरी बार कह देता हूँ चाचा, अपनी छोरी को संभाल लो, नहीं तो ऐसा दामाद खोकर बहुत पछताओगे। मैं देखता हूं उसे, उसकी टांगे तोड़कर रख दूंगा, आने तो दे उसे घर में। ठीक है। अच्छा सुमति, तो फिर कल? कल ही क्यों, हर दिन, हम हर दिन मिलेंगे। हाँ आज तो जनता के मनोरंजन के लिए नाच गाना हो गया, कल से जरूरी कामों पर लग जाएंगे। अच्छा मैं कल 10 बजे आऊंगी। ओके। सुमति कहाँ गई थी तू? हमारी पार्टी का फंक्शन था। अरे तेरी पार्टी गई बाहर चूल्हे में, मुझे तेरी पार्टी में जाना, वहाँ काम करना, उनके जलसों में नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? पर मैं गलत क्या कर रही हूँ बापू जो तुम्हें पसंद नहीं? पर तेरी हरकतें उसे भी पसंद नहीं। उसे? ये उसे कौन है? जिसके साथ मैंने तेरी शादी की बात पक्की की है। शादी की बात पक्की की है? हाँ। कैसी बातें करते हो बापू, कोई भी लड़का पकड़ लोगे और मेरी मर्जी के बिना तो मेरी शादी कर दोगे? तू चुप रह, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। लेकिन मैंने अपने मन का लड़का देखा है, मैं शादी करूंगी तो उसी से, किसी ऐरे गैरे के पल्ले मुझे बांधने की कोशिश मत करो, समझे बापू? कौन है वो? आजाद, चंद्रमोहन आजाद। नहीं सुमति नहीं, जिंदगी का जो रास्ता मैंने चुना है वो मुझे घर बीवी बाल बच्चों तक नहीं पहुंचाता। लेकिन क्यों? क्योंकि राजनीति का जो रास्ता मैंने चुना है उसमें बहुत खतरा है, ये पैसे वाले लोग, ये कैपिटलिस्ट मेरे पिताजी की तरह मुझे भी किसी वक्त मरवा सकते हैं, मेरे गले में फांसी का फंदा भी पड़ सकता है। ये सब जानते हुए मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ, तुम्हें कैसे विधवा बना सकता हूँ? तुम्हारी विधवा कहलाऊं इसमें भी मैं गर्व महसूस करूंगी। नहीं नहीं सुमति ऐसा मत कहो, मैं हमेशा तुम्हें सुहागन देखना चाहता हूँ, विधवा नहीं। मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है, मैं तुमसे प्यार करती। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मेरी एक बात मानोगी? क्या? तुम वहीं शादी कर लो जहां तुम्हारे बापू चाहते हैं, मुझे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मैं तो यहां बोर हो गया भाभी, मैंने तो भैया से पहले कहा था मैं किसी बड़ी जगह भाग जाता हूँ तब आपको भी यहाँ इस गांव में सड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा तो यही होता कि तुम कहीं और चले जाते, लेकिन तुम्हारे भैया का हुक्म था, मानना ही पड़ा, नहीं मानती तो उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते। खैर तुम चुपके रहो,
बाहर एक कदम तक नहीं रखना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं पुलिस नहीं, कौन है? कपड़े उतार। हा? अरे कपड़े उतार, कपड़े। हाँ हीरो बन के फिरता है। इनका नाम माथुर है। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं प्रताप का बड़ा भाई हूं। हम जमानत देने आए हैं। मालूम है, जमानत आप अदालत में दीजिए। वो फिर आप उसे अदालत में ले चलिए। ये आपसे ज्यादा मुझे मालूम है कि उसे कब अदालत में हाजिर करना है। सर अगर आप कुछ कर सके तो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सर आप जा सकते हैं। नहीं इन लोगों को खाना खिला। नहीं साहब। साहब आपका फोन। क्या खाओगे? मुर्गा बिरयानी। कैसा? माथुर सर। कैसा? नहीं एफआईआर नहीं लिखी गई, अभी पूछताछ कर रहा हूं। मालूम है सर, प्रताप वही तो। लेकिन ये वो सर मैं यस सर
नमस्ते। कांस्टेबल जी साहब, वो प्रताप को ले गया। चलिए। अरे देशबंधु जी, आप कहें और काम ना हो, अभी तक तो वो घर भी पहुंच गया होगा। सर, सॉरी सर। अच्छा, नमस्ते। यस सर, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रताप को पकड़ा था, लेकिन बिना किसी पूछताछ के उसे छोड़ दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे आपसे पूछूं, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये कैसा इंसाफ है। प्रताप एक करोड़पति का भाई है, ये अपने आप में एक इंसाफ है। करोड़पति होना इंसाफ है, तो हम अपने फर्ज और अपनी आत्मा का क्या करें? फर्ज को फाइलों में दफना दो और अपनी आत्मा को जेब में रख लो, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अपनी इस यूनिफॉर्म को उतार दो। बेहतर तो ये होगा कि आप अपनी यूनिफॉर्म उतार दें, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को जेब में रख लिया है। माथुर, दबान लड़ाने की कोशिश मत करो। तुमने इस नौकरी में सिर्फ 4 दिन देखे हैं, मैंने कई साल गुजारे। यू कैन गो नाउ। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। सलीम, तुम ऑटो रिक्शा से आयो? अरे भाई इतला कर दियो तो मैं गाड़ी भेज देता। तुम्हारा सामान कहाँ है? मेरी नौकरी खत्म हो गई भाई साहब, घर लौटना तक मुश्किल हो गया था, कैसे तैसे उधार लेकर लौट पाया हूं। लेकिन तुम्हारी नौकरी को खत्म हो गई? मैंने दुबई में हिंदुस्तानी मजदूरों की एक यूनियन बनाई थी, ये बात मालिकों को पसंद नहीं है, उन्होंने मुझे एक्सपेल कर दिया और मुल्क से हमेशा के लिए निकाल दिया। अच्छा नहीं हुआ सलीम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मजदूरों की यूनियन बनाने के जुर्म में तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा, इस घर का क्या होगा। भाईजान, मेरे जमीर ने जो कुछ मुझसे कहा मैंने वही किया। इंसानी मेहनत और इज्जत को मैंने बड़ा माना और दौलत को छोड़ा। हम गरीब लोग हैं और विद्या एक ऐसा धन है जो हम गरीब भी कमा सकते हैं। अगर तुमने वो धन कमा लिया तो समझो तुमने सारी दुनिया जीत ली। नहीं लेती। क्यों? पहले विद्या को माथे से लगाओ। बस वो तो इत्तेफाक की बात थी। लो मियां मजनू चले आ रहे हैं। मजनू साहब क्या हाल है? अम्मा कहाँ चले? अबे आज हड़ताल है। मुझे हड़ताल वड़ताल नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। क्या कह रहे हो बेटे? पहले ये बताओ कि पुलिस को हमारे खिलाफ क्या क्या बताया था। अबे कुछ बोलता क्यों नहीं साले? बोल। क्या देखता है बे? हट, हट। आओ आओ, अब किसी ने भी हाथ लगाया तो खून पी जाऊंगा। आराम सादो। Teacher strike! Zindabad! Teacher strike! Zindabad!
कमीशन रिपोर्ट स्वीकार करो। चंद्रा कमीशन रिपोर्ट स्वीकार करो। हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। टीचर स्ट्राइक जिंदाबाद। टीचर स्ट्राइक जिंदाबाद। आजकल पहले तो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते और जब पढ़ने का फैसला करते हैं तब प्रोफेसर्स कहाँ हैं पढ़ाने के लिए, कॉलेजेस कहाँ हैं पढ़ने के लिए। आजकल के नौजवानों का अगर ये हाल है तो भविष्य में इनका क्या होगा, इस देश का क्या होगा। भाई के पान बनारस वाला, भाई के पान नंगा नंगा नहाता है, तेरे को शर्म नहीं आता है? अरे भाई के पान बनारस वाला, धोती तो बांधे रहन तो को आज हूं नंगा दिखता है का? ए हट, मुझे पानी भरना है। हाय हाय, बहुत प्यास लगी है का? अरे हट। ओए ओ भाई के पान बनारस वाला, हूं भाई के पान बनारस वाला, भाई भूल जाए बंदे कल के। अरे ओ पनिया, हमारा चीफ पनिया, हमको थोड़ा पानी दे दो ना, हमारा किरना साबुन को दुर्गा। ओ पनिया पानी खत्म। अरे ओ पनिया, हमारे को कुछ नहीं देगा, हम सूरदास पनिया। ओ पनिया, अगर इस रफ्तार से काम चलेगा तो माल की सप्लाई कैसे होगी? 10 तारीख को रैली में वक्त बहुत कम है। ए कितना माल स्टॉक में? ये 3000 बैरल। 3000 बैरल? तुम साला लोग इधर बैठ के दारू पीता है क्या? हमें 15000 बैरल की जरूरत है, 10 लाख लोग आ रहे हैं रैली में। और धुलिया तुम कितना माल सप्लाई करोगे? यही वही 1000 बैरल साहब। 1000 बैरल? उससे क्या होगा? क्या करेगा साहब, मार्केट में स्पिरिट ही नहीं है। स्पिरिट नहीं है? वीरू तू एक काम कर, 4 ट्रक ले और पूरी डिस्ट्रिक्ट छान मार, जितना भी तैयार मार मिलता है या स्पिरिट मिलती है सबके सब खरीद। जी वाले। और सुन, सबसे पहले रंगा के यहाँ जा, उसके यहाँ जितनी भी स्पिरिट हो उसे लेकर धुलिया के यहाँ पहुँचा दे। रंगा शेट्टी, ऐसा जुलम मत करिए साहब, वो मेडिकल कॉलेज का नीलामी वाला स्पिरिट खरीदता है, मुर्दों वाला स्पिरिट, एकदम जहर होता है जहर, उसका दारू बनाएगा तो आदमी पीकर खलास। देरो, तू पैसा लेके जा। जी। बुलिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसे साफ करने का तरीका मैं तुम्हें समझाऊंगा। रघु, उठो, दिन निकल आया। हम्म, दिन
निकल आया है। तुम्हारा बाप। अच्छा क्यों बे रघु के बच्चे, तोड़ लिया तो इसके साथ। सुन बे हरामी, इस बस्ती में सब गरीब लोग रहता है, लेकिन हमारा भी कोई इज्जत है, वसूल है। इस बस्ती का कोई भी कंवारा लड़की आज तक बिना शादी के मां नहीं बना, समझा साले? बोल, तू इस छोकरी के साथ शादी करेगा कि नहीं? बोल। हाँ दादा, करूंगा। अरे मैं तो लुट गया रे, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा इज्जत मिट्टी में मिल गया, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा रे? अरे मैं दुनिया को कैसा मुंह दिखाएगा रे? तो भाई रोता क्यों है मेरे भाई, रोता क्यों है? देख रघु तेरी बेटी से शादी करने को तैयार है, अरे उल्टे तुझे खुशियां मनानी चाहिए। शादी की तैयारी कर मेरे भाई, शादी की तैयारी कर। अरे कासम भाई, तुम शादी का बात करता, हम अपना बेटी का हाथ इस अनजान आदमी के हाथ में कैसा दे दे? तुम ही बोलो। अरे अनजान कैसा, वो तो मेरे साथ काम करता है, मेरे बेटे के माफी का, समझा? अगर तुमने अपनी बेटी का शादी उसके साथ नहीं मनाया ना, तो तुम्हारा बेटी उसके साथ भाग जाएगा। अरे जब रघु उसके साथ शादी करने को तैयार है, तो तुम साला इतना नखरा क्यों करता है? लेकिन हम ये शादी बनाएगा कैसे? हमारे पास तो एक फूटा कौड़ी भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, पन्नी तो इस बस्ती का बेटी है, हम उसके लिए चंदा इकट्ठा करके धूमधाम से उसका शादी मनाएगा, क्यों भाई लोग? बिल्कुल ठीक है दुर्या, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बीरू जी सर, रैली शुरू होने से पहले सब दुकानों पे और जहाँ जहाँ रैली वाले लोग ठहरने वाले हैं, माल पहुँचाना चाहिए। जी हाँ। माल बेचो, खुलेआम बेचो। जी सर। बेकार नाट। अरे सुबह से रास्ते बंद हो जाएंगे, मोर्चे में फिर निकलने की जगह नहीं मिलेगी, जल्दी भरो, शाबाश जल्दी भरो इसको। अरे अरे इसको हाथ मत लगाओ। क्यों? अरे ये पन्नी की शादी के लिए स्पेशल रखा हुआ है, सब लोग शादी में पिएंगे और मजा करेंगे। और बहनों, हमारी पार्टी हर बस्ती में झोपड़ियों की जगह पक्के मकान बनवा देगी, कुओं की जगह नल लगवा देगी, और अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो नहरें काट काट कर हरिद्वार से पवित्र गंगा का पानी आपकी बस्ती में लेकर आएंगे। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां घूसखोरी नहीं होगी, राजनीतिक हत्याएं नहीं होंगी, औरतों पर बलात्कार नहीं होगा। भाषण सुनो भाषण। अरे इस नेता की आवाज़ तो बहुत कड़क है गंगो। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं कल्लू, इसीलिए तो मैं नेता की आवाज सुनता ही नहीं। अरे कान में उंगली लगाओ, दारू पियो, मजा करो। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमो। तुम्हारा ही मुबारक हो, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा, अरे आज अपनी शादी के दिन तो पी। अरे ना दादा, हम कभी ना पीले पीले, आज के दिन सब माफ। अरे अरे अकेले क्यों पी रहा है?
अपने अरवानी को ज्यादा दे दे। अरे यो पनिया, सटक। अरे पनी ले ले, मजा आ जाएगा। अरे सटक पनिया, पीले पीले बेटा, आज खुशी का दिन है। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? जहरीली शराब पीकर 2000 मौतें? Yeah.
सर। नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। सो लेट्स ब्रेक। मैं पालूंगा आजाद भाई, दे दो ना। हजार आदमी मर गए हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, कितनी औरतें विधवा हो गई हैं। अब उनकी खातिर सब कुछ सच सच बता दो एएसपी साहब को। यहां बैठे हैं। हां दुलिया, दुलिया बोल, बताओ। तुम्हारी जान तो जा ही रही है और उनकी जान तो बचाते जाओ। प्लीज प्लीज की मदद करो ताकि हम उन बदमाशों को पकड़ सके जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, ताकि आइंदा ये दर्दनाक मौतें ना हो। मरते मरते लोगों पर ये उपकार करते जाओगे दुलिया। दुलिया प्लीज बताता हूं, रब आस ने हमें वो स्पिरिट मंगा के दी थी जिसमें मुर्दे रखे जाते हैं। अरे कितने हवाई जहाज गिर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, तो क्या लोग सफर करना छोड़ देते हैं? ऐसे ही अगर लोग शराब पीकर मर गए, मर गए तो मर गए, इससे हमारे धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मालिक आपसे मिले एएसपी साहब आए हैं। ले आओ उन्हें अंदर। जी मालिक। हाँ, अरे नहीं यार, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। क्या बात कर रहा तू, आइए। आ, डरना और मैं? अरे मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं यार। अब कोई मिलने आया है। लड़की नहीं, लड़का है, कोई पुलिस वाला है। अच्छा तो मैं बाद में बात करता हूं, बाय। फरमाइए। धर्मदास, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। अच्छा, गिरफ्तार करने? एसपी साहब मैं जानता था कि आप जरूर तशरीफ लाएंगे, इसलिए मैंने पहले से ही अपनी जमानत करवा ली है। ठीक है? ठीक नहीं है। इस जमानत के मुताबिक तुम इस केस में नहीं पकड़े जा सकते हो, लेकिन सरकार ने मुझे शराब कांड की जांच करने के लिए खास तौर से अपॉइंट किया है और मुझे ये पावर्स दी गई है कि 2000 लोगों के मौत की जिम्मेदारी का शक जिस पर भी हो और जो भी गैर कानूनी शराब बनाने के धंधे में लगा हो,
से मैं गिरफ्तार कर सकता हूं, समझे? तुम्हारे पास जो भी पावर्स हो, गैर कानूनी शराब बनाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो शराब बेचता हूं उसमें पहले एक्साइज का ठप्पा लगता हूं, फिर वो मेरे पास आती है और वो शराब सरकार मुझे देती है, इसलिए लोगों की मौत की जिम्मेदार सरकार है। ये रघुराज की निजी डायरी है, है? ये सबूत है कि धुलिया के गैर कानूनी शराब की भट्टी पर वो पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। तो उसे मेरा क्या लेना देना? इसमें ये सबूत भी है कि धुलिया की भट्टी की सारी सप्लाई तुम लेते थे और रघु तुम्हारा नौकर था। नहीं नहीं नहीं, इस नाम का नौकर ना मेरा है ना कभी था। इसमें ये भी लिखा है कि रघु तनख्वाह तुमसे पाता था, और मेरे पास ये सबूत भी है कि रंगा के यहाँ से वो सारी स्पिरिट तुमने खरीदी थी जो अस्पताल में मुर्दे रखने के काम आती। नहीं, ये झूठ है। धुलिया ने मरते वक्त जो बयान दिया था वो भी मेरे पास है। उसने कहा है मुर्दों वाली स्पिरिट मिलाने के लिए तुमने उसे दी थी। ये जमानत कुछ दिन के लिए तुम्हें बचा सकती है, लेकिन कानून और सबूतों के शिकंजे से तुम नहीं बच सकते। तो हजूर माय बाप, आप ही बताइए ना मुझे। एक मिनट है। कितना है? अब 2 लाख। 2000 लोगों की मौत से बचने की कीमत सिर्फ 2 लाख? तुम बहुत कंजूस हो धर्मदास। और देता हूं, और देता हूं। ये रुपए उठा लो, उठा लो। मैं कहता हूं ये रुपए उठा लो। कम ऑन। माथुर, ये क्या धांधली है? इस रिपोर्ट में धर्मदास का नाम तक नहीं है। जांच पड़ताल से पता चला कि सेठ धर्मदास निर्दोष है। ये क्या कह रहे हो तुम? धुलिया ने मरते वक्त क्या बयान दिया था? धुलिया का बयान मैंने ही लिया था। मरते वक्त उसने धर्मदास का नाम तक नहीं लिया। ये झूठ है, तुम सच्चाई को छुपा रहे हो, ये इंसाफ नहीं है माथुर। सर, करोड़पति होना भी तो एक इंसाफ है, और सेठ धर्मदास एक करोड़पति है। You are talking nonsense. I am talking perfect sense. Sir, अपनी जान को खतरे में डालकर मैंने एक बार प्रताप को गिरफ्तार किया था इंसाफ के खातिर, लेकिन मुझे मिला क्या? आप जैसे ऑफिसरों की डांट और गालियां। अगर प्रताप को इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचाने से पहले आप उसे छोड़ देने का हुक्म दे सकते हैं तो मैं क्यों जानमारी करूं, और धर्मदास जैसे पैसे वाले आदमी से क्यों दुश्मनी मोल लूं? No, sir. रामदास ने कितनी रिश्वत दी है तुम्हें? रुपए लेने की हिमाकत मैंने नहीं की है, मैंने उसे जमीन ली है। आज मैं 10 लाख की 10 एकड़ का मालिक हूं, और जमीन भी मैंने अपने नाम पर लेने की गलती नहीं की है, वो जमीन मेरे ससुर साहब के नाम पर है। माथुर, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने कहा था पर्स को फाइलों में दफन कर दो और आत्मा को जेब में रख लो, नहीं तो वर्दी उतार के रख दो। सर, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं। इंडियन पुलिस सर्विस के इम्तिहान के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी, तब मुझे ये नौकरी मिली थी। अब आप ही बताइए, ये नौकरी छोड़कर मैं भूखा मरता जिंदा रहने के लिए? अब मैंने अपनी आत्मा को जेब में रख लिया। सर, ये रहा मेरा इस्तीफा, अब मैं वर्दी उतार के रखता हूं। गुड बाय सर। खामोश। तो बोलिए मुख्यमंत्री जी। बंधुओं, आप सबको मालूम है
जनता हमारी सरकार का इस्तीफा मांग रही है। इस गंभीर मसले पर गौर करने के लिए ये इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई है। जनता बहुत उत्तेजित है, जगह जगह पर धरने दे रही है और प्रदर्शन कर रही है। मैं पूछता हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, पुलिस के महकमा आपके अंडर में, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? मसला पुलिस को इल्जाम देने का नहीं है, मसला अपनी मिलीजुली सरकार को बचाने का है, जनता के गुस्से को शांत करने का है, बजाय इसके कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़े। बेहतर यही होगा कि अपने हेल्थ और आबकारी मिनिस्टर नारायण जी इस्तीफा दे दे। नो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं, जब तिलैया बांध टूटा था और 5 गांव डूब गए थे, तब क्या आपकी पार्टी का सिंचाई मंत्री ने इस्तीफा दिया था? जब विद्यार्थियों पर गोली चली थी और 12 लड़के मारे गए थे, क्या आपके होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था? कान खोलकर सुन लीजिए, आखिर ये मिलीजुली सरकार है। अगर मेरी पार्टी के मंत्री से इस्तीफा मांगा गया तो पिछले कारनामों के लिए मैं भी आपकी, आपकी और आपकी पार्टी के मंत्रियों के इस्तीफा मांगूंगा। ओहो, देश बंधु, पुरानी बातों को क्यों घाट रहे हो? अब मसला है शराब कांड का। नारायण जी इस्तीफा दे देंगे, जनता शांत हो जाएगी। यानी हमारी पार्टी के मंत्री को बलि का बकरा बना जा रहा है? ओहो देश बंधु, समझने की कोशिश करो। लोग जब सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ दिनों के बाद नारायण जी को हम वापिस ले लेंगे। हाँ, अरे ये दांव हम पर नहीं चलेगा। जो कुर्सी चली जाती है वो वापस नहीं आती, हमें मत चलाइए। और इससे पहले कि आप हमें फेंक दे, हमारा फैसला सुन लीजिए। अब हमारी पार्टी आपकी स्वार्थी और मतलबी सरकार के साथ 1 मिनट सहयोग नहीं करेगी। इसका मतलब यह कि मिलीजुली सरकार से आप अपनी पार्टी को अलग कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा सहयोग खत्म। अब मैं देखता हूँ कैसे ये गंदी और मौका परस्त सरकार एक दिन भी चलती है। चलिए नारायण जी। अबे ओ देश बंधु के बच्चे, सुबह तक तो ये सरकार अच्छी थी, मुर्दों के लिए इस्तीफा मांगा तो ये सरकार मौका परस्त और गंदी हो गई। हाँ हाँ, हमारे बिना चला सकते हैं तो चलाओ अपनी सरकार, साली अभी इसी कमरे में गिर पड़ेगी। देश बंधु मेरी बात तो सुनो। एमएलए साहब, ये क्या किया आपने? आपने सरकार को गिराकर मेरा बंटा धार कर दिया। शराब कांड को दबाने के लिए मैंने लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिए। एमएलए साहब, अब तो आपके नारायण मंत्री भी सरकार में नहीं रहे। नई सरकार आई और मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूंगा? अरे घबराते क्यों हो, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, ये पॉलिटिक्स है प्यारे, पॉलिटिक्स यानी घुड़दो। हम विरोधी दल के घोड़ों से मिलकर नई सरकार बनाएंगे। आप हवाई घोड़े दौड़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कैसे मुमकिन होगा? होगा नहीं, हो गया है। विरोधी दल से बात पक्की करने के बाद हमने सरकार गिराई है। लेकिन देश बंधु, विरोधी दल के 80 मेंबर और तुम्हारे 12, 5 तो फिर भी कम पड़ते हैं ना? 5 इंडिपेंडेंट हैं, उन 5 घोड़ों के दाम भी लगा दिए हैं। 5 लाख का घोड़ा है और 5 बिकने को तैयार है, बस हमें 25 लाख देने हैं। पर आप 25 लाख रुपया देने के लिए तैयार क्यों हो गए? बता दो ना। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनूंगा। उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मुख्यमंत्री बनना तो कोई मामूली बात नहीं है। अब बताओ, आप चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री साहब, और क्या, मैं पागल तो नहीं हूँ कि सरकार गिराऊं और फायदा ना उठाऊं? मुझे लगता है कि मैं कुछ सपना देख रहा हूँ एमएलए साहब। एमएलए? मेरा मतलब है चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब। ये तो कमाल हो गया। 5 घोड़ों को चारा डालने के बाद, हजूर हम तुम्हारे लिए 25 लाख रुपया तो क्या 25 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे। इतने से चारे का तो मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ मुख्यमंत्री साहब। माया तेरे 3 नाम, परसी परसा परस राम। आई हजूर पप्पी दीजिए। आइए। गवर्नर ने हमें बुलाया था हमारी बहुमत साबित करने के लिए, तो हमने साबित कर दिया। अच्छा, आपके मंत्रिमंडल में फिर से मंत्री होंगे, कौन कौन होंगे? वो टेकिंग सेरेमनी के बाद। टेकिंग कब है? वो हमें जनता से मिलने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाकी का सवाल बाद में पूछना। आइए 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 आइए। अरे भाई रुक जाओ, इसे नहीं जानते आप? ये वही कुत्ता है धर्मदास, शराब कांड वाला। कैसा चिपका है साला। कल ये मुख्यमंत्री बन जाएगा। लिखो भाई लिखो, इनके लिए भी लिखो, देश बंधु जी नए मुख्यमंत्री।
एक नई प्रभात, नई उमंगे, नई आशाएं। इनका कोई बचपन का फोटो नहीं मिला? जी नहीं। बचपन का फोटोग्राफ लेने के लिए चपरासी को इनके घर भेजा था, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, किसी भी 3 साल के नंग धड़ंग बच्चे का फोटो लगा दो और उसके नीचे लिख दो कि देश बंधु का बचपन का एक दुर्लभ फोटो। देश बंधु को गवर्नर साहब ने बुलाया है, शपथ ग्रहण करने का टाइम फिक्स करने के लिए बुलाया होगा। मुख्यमंत्री जी की जय। मुख्यमंत्री जी की जय। नमस्कार। अरे 2 मिनट बाद में भाई, गवर्नर जी इंतजार कर रहे हैं। चलो हटो, जाने दीजिए, जाने दीजिए। गवर्नर जी इंतजार कर रहे हैं। अरे हटो, आप भी साथ ही चले जाइए पीछे की गाड़ी से, आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लेने आए हो? हम कुछ लेने नहीं, सिर्फ तुम्हें आगाह करने आए हैं। जनता को ठगना और कुर्सी के लिए दल बदलना हम मंजूर नहीं करेंगे। मंजूर नहीं करेंगे? तुम होते कौन हो? मैं उस जनता की आवाज हूँ जिसे तुम्हें वोट देकर जिताया। उसी जनता के साथ तुमने धोखेबाजी की है। वही जनता तुम्हें नेता मानने से इनकार करती है और तुम्हें वापस बुलाने का हक रखती है। तुम जनता के नाम पर मुझे धमकी देने आयो? कितनी जनता है तुम्हारे साथ? ये 20 लोग। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ये 20-20 हजार में बदल जाएंगे और 20 हजार 20 करोड़ में। हम तुम्हें देश और जनता के विश्वास के साथ गद्दारी नहीं करने देंगे। तू क्या करोगे तुम? हम धरना देंगे, रास्ता रोकेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हारे ये गंदे पैर उस पवित्र और पाक कुर्सी की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। और अगर तुम नहीं माने तो याद रखो, हम तुम्हारे ये पैर तोड़ भी देंगे। सुना सुना, ये आदमी पागल हो गया है। पागल मैं नहीं, कुर्सी के नशे में पागल तुम हो गए हो। सिर्फ पागल ही नहीं, अंधे और बहरे भी हो गए हो। कल तक का समय देते हैं, अगर तुम्हारी आंखें न खुली और तुम्हारे कानों ने न सुना तो फिर देखना क्या होता है। तुमने जनता का धीरज देखा है, गुस्सा नहीं। चलो कॉमरेड। बहुत हो गया, आजाद की गुंडागर्दी है। उस गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब मैं दे सकता था, मगर वक्त नाजुक है इसलिए मैं चुप रह गया, वरना बता देता इन हरामजादों को। तुमने ठीक किया देश बंधु, इस वक्त हमें हर काम समझदारी के साथ करना चाहिए। शपथ समारोह से पहले आजाद को खत्म कर देना चाहिए। हाँ खत्म कर दो, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन लेकिन वेकिन ये वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। लालो लालो। जी मालिक। आजाद को पहचानते हो? जी। सुबह होने से पहले उस हरामजादे का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। अरे सुमति, तुम यहाँ इतनी रात गए? आपकी जान खतरे में है, आप यहाँ से चले जाइए फौरन, अभी। उन्होंने आपको मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। ओ, तो धर्मदास इस पर उतर आया? वक्त खराब मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जल्दी भाग जाइए। सुमति, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी जिंदगी की इतनी कदर करोगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। आप अपनी जान बचाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। सुमति तुम We'll be right back.
सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरकार देखा आपने गणेश जी की अंगूठी का चमत्कार? देशबंधु मुबारक। हटिए हटिए हटिए, चलिए एमएलए साहब, मुख्यमंत्री साहब, ओथ सेरेमनी का वक्त हो रहा है, आइए 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 आइए। हटिए, जाने दीजिए। जिंदाबाद। क्या हो रहा है? आपका होता क्या हो रहा है? रास्ता साफ करवाइए। सर आप लोग हटिए, रास्ता छोड़िए, वरना लाठी चार्ज करना पड़ेगा। लाठी चार्ज करना आपके लिए कोई नई बात नहीं है इंस्पेक्टर, आपकी लाठियां हमारे फौलादी इरादों को रोक नहीं सकती। कॉमरेड आजाद के कातिल धर्मदास को गिरफ्तार करो। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए, ये पत्थरबाजी बंद कीजिए। कॉमरेड आजाद ने हमें हिंसा का सबक नहीं सिखाया है, अगर पत्थर मारने हैं तो मुझे मारिए, कॉमरेड आजाद की लाश को मारिए। आइए एसपी साहब आइए, आप बड़े ठीक वक्त पर आए, ये लोग यहाँ पर दंगा फसाद मचाए हुए हैं, हटाइए इन्हें यहाँ से। मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। गिरफ्तार मुझे? एसपी साहब आपकी तबीयत तो ठीक है वैसे, किस जुर्म में गिरफ्तार करना है आप मुझे? मैं आपको चंद्रमोहन आजाद के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चंद्रमोहन आजाद के कत्ल के जुर्म में? क्या कह रहे हैं आप एसपी साहब, क्या सबूत आपके पास? सबूत मैं हूं। सुमति तुम? हाँ, कॉमरेड आजाद को मार डालने के लिए गुंडे तुमने भेजे थे, इसकी गवाह मैं हूँ। तुम मेरी बीवी होकर? हाँ, मैं तुम्हारी बीवी ही नहीं, इस देश की दुर्गा भी हूँ। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इन्हें। सुमति देवी जिंदाबाद, सुमति देवी जिंदाबाद, सुमति देवी जिंदाबाद, सुमति देवी जिंदाबाद, सुमति देवी जिंदाबाद। आजाद के कत्ल में धर्मदास का हाथ है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। सजा मिल गई है, लेकिन आप लोग हमें क्यों रोक रहे हैं? शपथ समारोह का समय हो गया है, आप लोग हट जाइए, हटाइए इन्हें। नहीं देशबंधु, उसकी सजा उसे मिल गई, तुम्हारी सजा भी बाकी है। लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने हम तमाम लोगों के साथ गद्दारी की है, विश्वासघात किया है भोली भाली जनता के साथ, जिसने वोट देकर तुम्हें सरकारी कुर्सी तक पहुंचाया है। इसके अलावा तुमने काला बाजारी की है, हजारों लोगों की जान से खेला है। ये गलत और झूठे इल्जाम है। हम ये भी साबित कर देंगे तुम दल बदलू हो, हम तुम्हें शपथ लेने नहीं जाने देंगे। जनता ने मुझे चुना है, मुझे अधिकार है शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने का, सारे राज्य के कानून और संविधान मेरे साथ है। हो सकता है कानून तुम्हें सजा न दे और संविधान तुम्हें शपथ लेने की इजाजत दे, लेकिन जनता तुम जैसे दल बदलू मौका परस्तों को शपथ लेने की इजाजत कभी नहीं देगी। हमें कॉमरेड आजाद की कुर्बानी की कसम, आज हम दिखाएंगे कि जो जनता तुम्हें कुर्सी पे बिठाती है वही जनता तुम्हें कुर्सी से हटाने का हक भी रखती है। अगर तुम्हें शपथ लेने जाना ही है तो हमारी लाशों पर से गुजर कर जाओ। भाइयों ले जाओ। जनता बहुत गुस्से में, इनके गुस्से की आग हमें जला डालेगी। बुद्धिमानी इसी में कि इस वक्त जबरदस्ती इस्तीफा दे दो, बाद में दूसरी चाल चलेंगे। भाइयों आपका फैसला मुझे मंजूर है, आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए
मैं इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा में निकला हूँ, आप पहल कर दीजिए। देश की जनता, इंकलाब, जिंदाबाद।